हेलो फ्रेंड्स, मैं ऑफ कोर्स विक्की और आप देख रहे हैं टेक टू वन दूसरे नई वीडियो के साथ। जैसे सभी जानते हैं, हम बात करने वाले हैं शाओमी के नए फोन रेडमी 8 के बारे में, जो कि दोस्तों आपको एक टीजर दिख गया होगा, जो कि 9 अक्टूबर को आपका एंट्री लेने वाला है मार्केट में, जो कि मचाएगा धमाल। सारी बात करेंगे, क्या खास होंगे फीचर, किस जिसमें साफ साफ में दोस्त पर जैसे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर ही आपको ड्यूल कैमरे के साथ में देखने को मिल जाएगा। काफी सारे चीजें धमाल मचाने वाले, प्राइस से लेकर सारी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर ही। उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए टेक टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टेक वीडियोस देखने के लिए। जैसे कि दोस्तों सभी जानते हैं, स्मार्टफोन मेकर कंपनी शाओमी भारत में 8वीं सीरीज का तहत मतलब रेडमी 8 को लॉन्च करने वाली है। कंपनी इस फोन को 9 अक्टूबर के दिन भारतीय बाजार में उतारेगी। इससे पहले रेडमी 8 को स्मार्टफोन में कई टीजर जारी हो चुके हैं। टीजर के मुताबिक ग्राहकों में इसमें फोन में आपको 4 mAh की बैटरी देखने को मिल सकती है और कैमरा आपको ड्यूल कैमरा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस फोन में आपको गूगल प्ले कंसोल प्ले भी स्टॉप किया गया है। साथ ही साथ इसमें सबसे पहले कंपनी ने भारतीय मार्केट में रेडमी 8 को स्मार्टफोन को पेश किया था। शाओमी इंडिया के मुख्य अधिकारी मन्नू कुमार जैन ने भी अपने आपके ट्विटर अकाउंट पर रेडमी 8 की लॉन्चिंग की तारीख शेयर की है। इस फोन के टीजर से ड्यूल कैमरा सेटअप और बैटरी की जानकारी मिली है। इसके साथ ही फोन के लुक को भी देखा जा सकता है। वही बता दें, साथ ही साथ रेडमी 8 की जो भी स्पेशल यूजर्स के रेडमी 8 हैं, उसमें 3GB रैम वेरियंट होगा, पर साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 439 का आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है। वहीं बात करते हैं एंड्रॉइड गेम खेलने के लिए 505 का GPU से लैस। लीक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इस फोन में HD+ की वाटर ड्रॉप स्टाइलिश नॉच देखने को मिल सकती है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1520 होने वाला है। वहीं कैमरे की बात करें तो जो कि आपका कैप्सूल शॉप कैमरा सेटअप दिया गया है। इसके साथ ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है फोन के अंदर। साथ ही साथ रेडमी 8 स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 9 पाई पे वर्क करने वाला है। वहीं शाओमी रेडमी 8 की संभावित कीमत की अगर बात करें, जो इस विषय को लेकर किसी भी तरह की जानकारी फिलहाल नहीं आई, तो उसके हिसाब से अगर उम्मीद लगाई जाए रेडमी 8 की सेगमेंट की, जो कि आपको 7 से 7.5 के आसपास तक का आपको स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप भी इस सिचुएशन के हिसाब से आप भी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा आपको इस तरह की सिचुएशन के हिसाब से किसकी क्या कीमत होनी चाहिए। तो बात आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को जरूर शेयर लाइक कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे इस तरह की वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।